बत्ती शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, ए आरो की बत्ती शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, ए आरो की बत्ती शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, सेना भर्ती के लिए ग्राउंड उपलब्ध करो, उपलब्ध करो, उपलब्ध करो, सेना भर्ती के लिए ग्राउंड उपलब्ध करो, उपलब्ध करो, उपलब्ध करो, ए आरो की बत्ती शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, ए आरो की बत्ती शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, सगला भैन राम राम थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। जवानों के लिए और किसानों के लिए प्रतिबद्ध खबर लोक चैनल ना थे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, के करने जो घंटी सी है यह भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले अभी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अभी जो झुंझुनू का अपना जो शहीद स्मारक है अठे पहुँचा हाँ, देखा कि काफ़ी युवा ही अभी जो अठे पहुँच रहे हैं, की वजह आज ये एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, क्या की मुख्य मांग ही, पूरी बातचीत कर सें, पूरी जानकारी है जो वीडियो के लास्ट तक थाने जरूर दिलवा सें, तो बने रहो वीडियो ने लास्ट तक पूरा जरूर देखो ताकि पूरी जानकारी थाने मिल जाए। और युवा की के मांग है बिकले आज ये अठे जो एकत्रित हो रहे हैं और प्रदर्शन युवा के द्वारा करो जा रहे है। जो देखा शहीद स्मारक की बात कर लें तो अभी काफ़ी युवा हैं जो अपने जिला अठे जो एकत्रित हो रहे हैं, बात करांगा अभी जो की वजह है जो अठे जो एकत्रित हो रहे हैं और की आके मुख्य रूप मांग रहे हैं। हाँ जी सर, आज जो देखा कि युवा के अभी अठे इकट्ठा हो रहे हैं, की मांगा लेके जो अठे इकट्ठा हो रहे हैं आगे युवाओं की, झुंझुनू जिले का जो युवा है की बात बिल्कुल, मांग बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि बाकी जितना भी जिला ही बस जिला में और भर्ती हो रही है, आने दो साल से कोई भर्ती को नहीं हो रही, तो आगे मांग ये है कि भी भर्ती हो, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं ये युवा, अब बात सामने आई है कि कलेक्टर साहब यहाँ कह रहे हैं कि मार्कन ग्राउंड बना, तो बात सही है कि कोई भी नेता हो या प्रशासनिक कोई भी कार्यक्रम हो बिकले तो ग्राउंड अवेलेबल भी कराऊँ, पूरी व्यवस्था भी करी, तो जो आज लोगों को भविष्य है देश की रक्षा के लिए दौड़ रहे हुए और आगे भर्ती की व्यवस्था, तो इस बात पर आपा को नकार सका कि मार्कन ग्राउंड बने, क्योंकि ग्राउंड बहुत ग्राउंड है, तो इसलिए कलेक्टर साहब ने इस बात को ज्ञापन देगा कि भाई माने समय दो, व्यवस्था प्रशासन की है, कहें तो वो कौन सा तो ग्राउंड देगो, के व्यवस्था है, हम वो कोई वॉलेंटियर्स की या कोई जरूरत होगी तो प्रशासन को सहयोग कराँगा, पर अब बात न ले कि कोई को भविष्य खराब कौन करे आज के कि ग्राउंड को झुंझुनू जिले में भी ग्राउंड को ना, तो फिर दुनिया में घड़े ग्राउंड को ना जी, तो यह कोई व्यवस्था को ना, तो जो थे खुद ही चीज़ ने देखी हो या फिर युवा के द्वारा थाने चीज़ के लिए बताए गए कि यह समस्या जो निकल के आ रही है, क्योंकि देखा आर्मी की भर्ती, क्योंकि अपनों जिलों एक आर्मी का जिला का नाम जाना जाए और शहीदों को जिलों सब ज़्यादा शहीद, बिके बाद में भी सोच वालों विषय कि आर्मी की भर्ती नहीं हो रही है, तो इस चीज़ के लिए कि खुद थे युवा के लिए या जो तैयारी कर रहे हो या फिर युवा एक मना कर रहे हैं भाई, युवा की मांग ये काफ़ी दिनों से है और इस जिले के जो युवा से जो झुंझुनू शहर में जो झुंझुनू का जिले का जो युवा है वहाँ के साथ जो गलत काम हो रहे हैं वह काफ़ी दिनों से हो रहे हैं। स्टेडियम में पिछले दिन ताड़ो लगा दियो कि स्टेडियम में फीस दे के युवा जा सके, तो मैं वहाँ प्रशासनिक अधिकारी से भी बैठे बात करी कि दुनिया के मायने दुनिया का देश ही दुनिया का जिला ही दुनिया को प्रशासन है, वो युवाओं ने दौड़ने के लिए या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहन राशि और दे और थे आगन पीसा और ले रहे हो, ए गरीबों का बच्चा ही और पैसा लेके तो स्टेडियम में बढ़ रहे हो, 200 रुपये एक बच्चे के नई कितनी बदकिस्मती है कि झुंझुनू जिले का युवा ही वह अगर दौड़ना चाहूँ तो वहाँ का 200 रुपये लगे, जबकि दुनिया में लोग बन प्रोत्साहन राशि और दे मेहरबानी है कह दी कलेक्टर साहब ने पिछली बार जब ताड़ो खुलवा दी टाइम से अभी तक कलेक्टर साहब नया यहाँ से हमारी बात करनी हुई, आज बात कराँगा, पिछली बार यह कही कि इस स्टेडियम में क्या कहते पैसा ले रहा हो, बोले स्टेडियम की मेंटेनेंस का एक चौकीदार वगैरह रखा, तो मेहरबानी है कि थे मान बताओ कितना चौकीदार रखना है, मैं कोई भी संस्था के माध्यम से व्यवस्था कराऊँ पर आज नौजवाना करूँ पैसा कौन लिया जा सके। आज एक बात और सामने आई है के प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब जब स्टेडियम में दौड़ना होने जना थे भाग जाया करो, ने कलेक्टर साहब नाराज हो जाएगा, तो कलेक्टर साहब ये कोई चोरी करी है डकैती करी है कोई ये कोई चैन तोड़ के भागी क्यों भागे भाई यहाँ से, कलेक्टर साहब के सामने और आने से भी कलेक्टर साहब तो हौसला अफजाई और करें बच्चा की भी थे दौड़ो के कलेक्टर साहब घूमना होने जब ग्राउंड खाली कराना पड़े ये तो मगर अलग ही चंबो है। तो एक मिनट आज जो बात कर लें आज की जो बात कर लें तो आज जो यो ज्ञापन वगैरह तैयार करे जा रहे हैं तो ये पूरी मुख्य ये पूरी मांगन साथ में है या फिर कोई एक स्पेशल मांग, बात तो सारी करांगे पर आज जो स्पेशल मांग यह है कि सेना भर्ती है बात 2 साल से झुंझुनू जिले में को नहीं हो रही और अभी जो ब्यूरो पड़े हो तो कलेक्टर साहब से बात कराने से ब्यूरो पड़े हो, बाकी जो आज लोगों से जो जानकारी सामने आई है वह यह आई है कि कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि भर्ती के लिए मार्कन ग्राउंड बना, तो ग्राउंड को ने भी विषय पर बात कराँगा
और आगे भर्ती जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि सीकर में भर्ती हो रही है, उदयपुर में भर्ती हो रही है, बाकी जितना भी जोन ही ने बम सम भर्ती अलवर में भर्ती हो रही है। तो झुंझुनू जिले में निश्चित रूप से कलेक्टर साहब भी प्रशासनिक अधिकारी सकारात्मक, निश्चित रूप से सकारात्मक, जब इस जिले का मालिक ही और जिले के बच्चों को भविष्य बन रहे हो तो बिल्कुल भी हमारी मदद करेंगा, हमारी सोच है। और बहुत मिलेंगे ये जो बच्चा की जो फीस वाली बात है ना, इनकी भी आगे पीछे छूटे तैयारी करें जिले का लोग आगे। देखा बहुत सोच वालों विषय है, क्योंकि अगर भर्ती अगर दो साल में भर्ती नहीं हो रही है तो है कि काफ़ी युवाएं जो लगातार तैयारी करें अपना जिला, कोई भी रोड पर जाके या कोई भी कच्चा रास्ता पर भी जाके देखें तो युवा बड़े तैयारी करता मिल जाएगा। देखो ये भर्ती लेट में एक बहुत बड़ा इश्यू है, कुछ बच्चा है कहीं जो उम्र के ओवरडेट होने की स्थिति में तो बैंक बैंक को चांस खराब हो रहे हैं ना, तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि यह भर्ती जल्दी से जल्दी हो ताकि जो बन अवसर मिले, भाई मेरिट के आधार पर कोई आउट हो है तो बिन अपना आपने संतुष्टि हो है, पर चूंकि भी की भर्ती को नहीं हो रही तो भी अपना आप से वो एक बहुत डिप्रेशन में चले जाओ बच्चों के लिए, ये बात के लिए मैं कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूँ। और प्रशासनिक जो अधिकारी ने जो फौज का बीआरओ वगैरह का जो भी तो आन ज्ञापन दे कि वहाँ से मिला के इश्यू है, पर आगे बढ़ते निश्चित रूप से एक सकारात्मक हमारी मांग है और होनी भी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। युवा के लिए जो देखा कि अभी काफ़ी युवा एकत्रित हो रहे हैं तो बाकी जो मांग है कि युवा आज तैयारी करेंगे या फिर जो भर्ती के लिए आंदोलन करेंगे? जी आंदोलन के लिए हम लोग हैं, लेकिन जो लोग भर्ती के लिए तैयारी करते हैं उनकी भी कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो उनको भी खड़ा होना चाहिए साथ आने के लिए, क्योंकि ये मानते हैं हम लोग कि कोरोना की वजह से सरकार ने भर्ती नहीं करवाई, लेकिन जब सरकार भर्ती करवाना चाह रही थी तब कलेक्टर साहब को उन्होंने ग्राउंड के लिए अनुमति मांगी तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि झुंझुनू जिले में ग्राउंड नहीं है। और मैं बता देता हूँ, यदि कलेक्टर साहब को एक घंटा पहले भी कोई मंत्री संतरी कोई भी नेता फ़ोन करके ये कह दे कि मैं झुंझुनू जिले में आऊँगा तो कलेक्टर साहब उनके लिए ग्राउंड की भी व्यवस्था करवाएंगे, वॉलंटियर की व्यवस्था करवाएंगे और पूरे प्रशासन की भी व्यवस्था करवाएंगे। अभी आपने साथ जो देखा कोचिंग को जो कोच भी हैं अनिल जी जो आ रहे हैं तो बहुत व्यापार चर्चा कर सकें कि जो पिछली जो भर्ती हुई बकद हुई वो 2019 वाली है वो अपनी 1 अप्रैल के बाद में रोटेशन में आती थी। अच्छा, तो वो 1 अप्रैल होती है। 1 अप्रैल से रोटेशन में आती थी, उस दौरान जब वो रोटेशन में भर्ती का टाइम आया उस दौरान अपने यहाँ पे लॉकडाउन था। लॉकडाउन अब लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान से हट चुका है, तो इन युवाओं की और हमारी सबकी यही मांग है कि झुंझुनू एक ऐसा जिला है जो हर आर्मी के अंदर हर सीमा के ऊपर जो खड़ा एक एक जवान झुंझुनू का है, तो आज इन युवाओं के साथ में ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है? कोरोना की वजह से जिन बच्चों की उम्र थी वो उम्र हो गई, हमारी इसके साथ साथ ये भी मांग है कि जिन युवाओं की उम्र हो गई उनको उम्र के अंदर भी छोड़ दी जाए, क्योंकि भाई लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, चलो मानते हैं ये एक प्राकृतिक आपदा थी, इसमें किसी का दोष नहीं है, लेकिन अब जो भर्ती हो उसके अंदर जो युवा जो दो दो तीन तीन चार साल से जो तैयारी में लगे हुए थे जो एज कट हो गए हैं उनको भी मौका देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक उम्मीद है कि आखिरी भर्ती और भी खूब काफ़ी मेहनत करी होगी और भी के बाद में जब भर्ती कैंसिल होगी तो एक सोच वालों विषय है कि बाद में भी कुछ तो छूट देनी चाहिए। और भर्ती भी एक ऐसे जिले की कैंसिल हुई है जहाँ सबसे ज़्यादा शहीद है और सबसे ज़्यादा फौजी है, सबसे ज़्यादा सैनिक है। जी तो अभी मुख्य रूप से देखा युवा की मांग है कि उम्मीद करी जा रहा है कि कराया जाए भर्ती करवाई, इनकी मांग यही है कि हमारी भर्ती जल्दी जल्दी कराई, दूसरा इनकी जो एज क्राइटेरिया है उसके अंदर भी इनको छूट दिया जाए कि 1 साल का इनको जो गैप मिला उस गैप के अंदर जो बच्चा आ रहा था और वो बच्चा और एज ना भी भर्ती हो रही भी क्या अपने आसपास की जो देख रहे हैं उदयपुर में हो रही है, सीकर में हो रही है, अलवर की भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, भी आ गया जोधपुर नागौर अलवर जयपुर सीकर की भी है, अलवर की भी है, सारी जगह छोड़ के सोच वालों विषय है कि जब एक सैनिका का जिला का शहीदा का जिला के रूप में मानो जा है और बी के बाद में भी बैठे भर्ती नहीं हो रही है और जो अपने आसपास का जिला ही बकमान भर्ती हो रही है तो ग्राउंड के स्पेशल बनवाए इकट्ठे हूँ जरूर या उम्मीद कर रहा है। और वीडियो जो देख रहे हैं दर्शकों ये रिक्वेस्ट करें कि वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि प्रशासन तक पहुंचे और प्रशासन की आंख खुलें और युवा के लिए ग्राउंड की व्यवस्था है जो करवाई जाए। तो जो देखा युवा ही कि अभी आपकी मांगा लेके जो प्रदर्शन कर रहे हैं और आज जाकर द्वारा ज्ञापन सौंपे जागो कि आगे भर्ती है जो जल्दी जल्दी करवाई जाए, सोच वाला विषय है आज हर एक आदमी ने जो युवा के लिए जो अपने सैनिका का जिला को जो मान है बिन रखने के लिए कि बिल्कुल आगे आना चाहिए और आपको सहयोग करना चाहिए। वीडियो के बारे में थोड़ा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, चैनल पर बने रहो देसी खबर के लिए, अगर अभी तक थे खबर लो चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।